नमस्कार साथियों, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में एक बार फिर से आफत की बारिश हुई है। मॉनसून में हमेशा उत्तराखंड समस्याओं से जूझता है, खास तौर से पहाड़ी क्षेत्र इस समस्या से लगातार जूझते हुए नजर आते हैं। ताजा मामला यमुना घाटी का है, पुरोला क्षेत्र का है। ये उत्तरकाशी जनपद का क्षेत्र है जहां पर भारी तबाही देखने को मिली है। इन तस्वीरों में, इन वीडियोस में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से सैलाब उमड़ा हुआ है। यहां पुरोला क्षेत्र में 7 दुकानें बह गई, इसके अलावा दर्जनों दुकानों में मलबा घुस गया, वहां भारी नुकसान हुआ है और इसके साथ साथ कई मकानों की हालत भी इस भारी बारिश, इस मलबे से खराब हुई है। ये बताया जाता है कि ये एक गदेरा है, कुमोला गदेरा आमतौर पर उसे कहा जाता है, जो बरसात के दौरान ही सक्रिय होता है और पूरे साल भर उसमें या तो पानी नहीं होता या बेहद कम होता है। और जब आसपास के पहाड़ों में भारी बारिश हुई तो कुमोला गदेरे में अचानक से बहुत ज्यादा पानी आ गया। हालत ये हुई कि इस कुमोला गदेरे में जो पानी था, जो मलबा था, उसने रास्ता बदला और उसने कई दुकानों को अपने आगोश में ले लिया। इसके अलावा ये मलबा कई दुकानों के मकानों के भीतर तक घुस गया, इससे कई लोगों को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। इस घटना से आसपास कई जगह लैंडस्लाइड, जिसे भूस्खलन भी कहा जाता है, वो भी हुआ है। इससे लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। आसपास की दर्जनों सड़कें इस क्षेत्र में बंद हैं और कई गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से या राजधानी से भी कह सकते हैं पूरी तरीके से टूट गया है। इसमें एक और बड़ी घटना यह हुई कि एटीएम था जो बाजार में ही था। हम समझ सकते हैं कि एटीएम आमतौर पर बाजार या भीड़ भाड़ वाली जगह पर ही लगाया जाता है और वो भी बह गया। ये अंदाजा लगाइए कि कितना जबरदस्त तरीके का सैलाब रहा होगा, जिसने एटीएम जैसी भारी भरकम मशीन को भी अपने साथ वो बहा ले गया। बताया जा रहा है कि एटीएम में करीब 24 लाख रुपए कैश थे। लेकिन ये सिर्फ एक क्षेत्र की कहानी नहीं है, उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में इस तरीके की तस्वीर लगातार देखने को मिल रही है और जब तक मानसून रहेगा तब तक इस तरीके की तस्वीरों से 2-4 उत्तराखंड के जनमानस को, खासतौर से पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले जनमानस को होना पड़ेगा। बरसात के दिनों में इस तरीके की खबरें, इस तरीके की तस्वीरें लगातार दिखाई देती रहेंगी। बस सावधानी बरतने की जरूरत है। अनावश्यक रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में घर से बाहर निकलने से परहेज करें जब भारी बारिश की चेतावनी जारी हो रखी हो। और जो भी नदी, बरसाती नदी या गदेरा जिसे कहा जाता है, उसके आसपास रहने वाले लोग हैं, वो खास तौर पर सचेत रहें। साथियों, हमारी आज की रिपोर्ट कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आने वाले दिनों में उत्तराखंड और उत्तराखंड से संबंधित तमाम तरीके की खबरें आप तक पहुंचाने की हमारी टीम लगातार कोशिश करती रहेगी। अगली रिपोर्ट में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।